भारत के सबसे खतरनाक 7 प्लेसेस, जहां जाना मतलब मौत को बुलाना। भारत में जहां एक तरफ बहुत खूबसूरत, आनंदित और चौंका देने वाली जगहें पाई जाती हैं, वहीं ऐसी खतरनाक जगह भी है जिनके बारे में आपने शायद कभी नहीं सुना होगा। इन जगहों पर जाना खतरे से खाली नहीं है, यहां जाना मतलब मौत को गले लगाने के समान है। इसलिए इन जगहों को भारत की सबसे ज्यादा खतरनाक जगहें कहा जाता है। ये खतरनाक जगहों में कदम कदम पर अलग अलग किस्म का खतरा होता है, जैसे कई जगहों के रास्ते इतने खतरनाक होते हैं कि उनके बारे में सोचकर ही दिल घबरा उठता है, तो कहीं भूत प्रेतों का साया मंडराता रहता है। तो चलिए आज मैं आपको ऐसी 7 जगहों के बारे में बताऊंगा जो भारत की सबसे डरावनी जगहें कही जाती हैं। डुमस बीच। गुजरात का डुमस बीच भारत की सबसे खतरनाक जगहों में नंबर 1 पर है। इस बीच पर हिंदुओं के शवों की संस्कार क्रिया की जाती है, जिसके कारण ये बीच शाम के समय काफी सुनसान सा लगता है। इस बीच पर कई लोग घूमने के लिए आते हैं, लेकिन उनका मानना है कि इस जगह पर हर वक्त कोई साया रहता है। यहाँ पर घूमने वाले लोगों ने इस जगह पर कई डरावने अनुभव महसूस किए हैं, जैसे कभी किसी के चीखने पुकारने की आवाजें, तो कभी किसी के चलने की आवाजें, लेकिन आसपास देखने पर उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता, और ऐसा ज्यादातर सूर्यास्त होने के बाद ही होता है। पैम्बन ब्रिज। 104 साल पुराना ये ब्रिज भारत का सबसे खतरनाक सी ब्रिज है, जो तमिलनाडु के रामेश्वरम शहर को सेंट्रल इंडिया से जोड़ता है। जिसके ऊपर से गुजरती है ट्रेन, तो नीचे से गुजरते हैं शिप। ये ब्रिज दिखने में ही इतना खतरनाक है कि इसे देखने पर चक्कर आने लगते हैं, और यहाँ से गुजरने वाली हवाएं इतनी तेज होती हैं कि ट्रेन को हिलाकर रख देती हैं। हम बस या ट्रेन में सफर करते समय अक्सर खिड़की वाली सीट पर बैठना पसंद करते हैं, ताकि अपने सफर के दौरान बाहर के खूबसूरत नजारे को देखा जा सके और उसका आनंद लिया जा सके। लेकिन इस पुल से ट्रेन गुजरने पर लोगों की सांस रुक जाती है। मन ही मन वो भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं, ताकि अपने मंजिल पर सही सलामत पहुंच सकें। यहां पर कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि भयंकर दुर्घटना हो सकती है, जिसके कारण ही इसे भारत का सबसे ज्यादा डेंजरस पुल कहा जाता है। बस्तर। छत्तीसगढ़ में बसा एक छोटा सा जिला जो प्राकृतिक रूप से बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, काफी बड़े बड़े और खूबसूरत पेड़ पौधों से घिरा हुआ है।